विशेषण क्रिया। ओके बच्चों, तो इसके बाद जो दूसरे चार परिभाषा है वो चार यानी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयवादी बोधक। बच्चों ये रिमेनिंग चार बचे हुए हैं, उसमें से मैं आपको पांचवा वाला जो क्रिया विशेषण के बारे में आज आपको यहाँ पर सिखा बोल रही हूँ। पहला है फिफ्थ वन है क्रिया विशेषण, यानी जो हम क्रिया में क्या पढ़े थे बच्चों, क्रिया में जो काम का करना या प्रकट होना, उसका जो बोध होता है या मालूम होता है उसे क्रिया कहते हैं, है ना बच्चों। तो उसके बाद है उस काम को किस तरीके से है, उसकी विशेषता क्या होती है, तो उस काम के करने की जो विशेषता होती है उसका आज यहाँ पर डेफिनेशन लिया जा रहा है, यानी परिभाषा है बच्चों। यहाँ पर देखिए क्रिया विशेषण फिफ्थ वन, उसकी परिभाषा यानी डेफिनेशन, क्रिया की विशेषता बदलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। बच्चों जो काम करते हैं वो काम किस तरीके से करते हैं, कैसा किया जाता है, उसका जो बोध होता है यानी मालूम होता है वही है क्रिया विशेषण। तो बच्चों क्रिया विशेषण में चार प्रकार होते हैं, एक है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो बच्चों एक एक हिसाब से एक एक आपको डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हूँ, तो आप यहाँ पर देखिए सुनिए यहाँ पर कि कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों से जो भी शब्द रहता है उस शब्दों से क्रिया यानी काम के काल का बोध होता है। बच्चों जब भी काम करते हो तो उस काम का जो दिन होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वहाँ कल रात आएगा, कल आएगा, लेकिन कल कब आएगा, सवेरे आएगा, शाम में आएगा या दोपहर आएगा, कब आएगा या रात आएगा, कब आएगा, एक पर्टिकुलर रहता है ना बच्चों। तो उसी तरह से कल वहाँ कल रात आएगा, कौन से रात को आएगा वहाँ, वह क्या है बच्चों, सर्वनाम, मैंने बताया था आपको कि वहाँ डैश रात आएगा। अरे रात आएगा भाई, कब आएगा, कल आएगा या परसों आएगा, कौन से रात यानी कब का रात आएगा, कल रात आएगा, ऐसा बोलो ना, कल रात आएगा ना, वहाँ रात आएगा कब, कौन से दिन, कल का रात या परसों का रात या तेरसों का रात या आज का रात, एक पर्टिकुलर रहता है ना बच्चों। तो उसी तरह से उसका जो हम रात के सामने जो कहते हैं कल आज परसों, तो उसका यहाँ पर आपको लिखना है, वो है कालवाचक क्रिया। ओके बच्चों समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड वन, आप तुरंत यहाँ से चले जाइए, आप चले जाइए, कब चले जाना, अभी का अभी यानी तुरंत, या थोड़ी देर के बाद, या थोड़ी देर के बाद यानी थोड़े, तो यहाँ पर इस तरह से या दो घंटे के बाद या शाम के दिन यहाँ से चले जाइए, तो एक चले जाइए कि आगे जब हम उसको कहते हैं तुरंत जाइए या थोड़ी देर में जाइए या रात में जाइए, जो भी हम कहते हैं चले जाइए, तो उसके सामने जो क्वेश्चन लगाते हैं वो कालवाचक क्या कहता है, क्या कहा जाता है, विशेषण कहलाता है। उदाहरण के वर्ड्स के हिसाब से भी उसमें भी मैंने अपने आपको यहाँ पर दी हूँ, फिर सवेरे, सायं, अभी, परसों, इत्यादि, तो इस तरह से शब्दों का आप लोग सेंटेंस में लिख लीजिए। ओके बच्चों, स्थानवाचक सेकेंड आता है, स्थानवाचक यानी प्लेस, एक पर्टिकुलर प्लेस। तो यहाँ पर क्या किया बच्चों, जिन शब्दों में जो भी शब्द है उस शब्दों में स्थान का दो जो बोध होता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा दिए है, वे अंदर बैठे, वे बैठे हैं भाई, कहाँ बैठे हैं, वे बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, क्वेश्चन फिर इसमें भी स्थानवाचक में अंदर बैठे, तो अंदर को अंदर बोलते देहात कहा जाता है, वो अंदर बैठे हैं, वे बाहर बैठे हैं, है ना बच्चों। दूसरा है पेड़ के नीचे ठंड रहती है, किसके नीचे, पेड़ के नीचे, पेड़ क्या है, नाउन है, तो नाम पेड़ के नीचे, यहाँ ये निकाल दो बच्चों, स्थान को निकाल दो, पेड़ ठंड रहती है लेकिन उसके ऊपर बैठने से ठंड रहती है, उसके नीचे बैठने से ठंड रहती है, उसकी छाया क्या है बच्चों, एक यहाँ पर जो नीचे दिया है यानी पेड़ की छाया से हमें क्या मिलती है,
पिछवाड़े के पास मेरी सहेली रहती है, पिछवाड़े के घर में मेरी सहेली रहती है स्थान है ना बच्चों पिछवाड़े में। तो दूर दूर उस और रेलगाड़ी आ रही है, रेलगाड़ी नौ ने तो वो स्थान यानी आना, ये स्थान उसका दूर से भीतर यानी अंदर अंदर मेरे मामा बैठे हुए हैं, हम जाके उनसे मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? अंदर बैठे हैं ना। तो इस तरह से जब आप प्रकट करते हो स्थान का तो उसे स्थानवाचक क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। बच्चों समझ में आया? तो अब आता है परिमाणवाचक। परिमाण यानी कुछ सिद्ध करके दिखाना, जैसे जिससे क्रिया के परिमाण का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों राधा बहुत बोलती है, यहाँ पर निकाल दीजिए राधा बोलती है, कैसा बोलती है, किस तरह से बोलती है? तो ये जो जिस तरह से हम इधर बोल यानी जिस तरीके से अपन उसे बोलते हैं यानी बोलते किसे कैसे बोलती है इसको भी एक प्रश्न लगाते हैं। तो बहुत बोलती है ना बच्चों, इतनी हंकलाती है वो बच्ची, किस तरह से हंकलाती है, रुक रुक कर बोलती है लेकिन किस तरह से बोलती है, रुक रुक कर बोलती है या लगातार बोलती है या अधिक बोलती है या कम बोलती है। तो एक पर्टिकुलर प्रमाण एक सिद्ध रहता है वहां पर कि क्वेश्चन लगाते कि ये बच्ची कितनी कम बोलती है लेकिन राधा देखो कितनी अधिक बोलती है, बहुत बोलती है बच्ची, तो लगातार बोलती रहती है ना बच्चों। अरे तुम कितनी कम बोल रही हो, तुम भी तो बोलो। तो इस तरह से ये कम, ये ज्यादा, ये अधिक, ये बड़बड़ कर बातें करना, बातें करना यानी बड़बड़ कर। तो इस तरह से बात जो जो बोलने के सामने जो क्वेश्चंस को हम आंसर लिखते हैं तो वही होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और एक एग्जांपल दिया पर रामू खूब खेलता है, अधिक खूब यानी अधिक खेलता है। तो रामू कैसा खेलता है? अधिक खेलता है, बहुत खेलता है, खेलते रहता है लगातार खेलते है। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्रकट करते हैं यानी बोलते हैं तो क्यों उदास बैठा है, तू भी तो खेल। लेकिन नहीं, यहाँ पर राजू अधिक नहीं खेलता, बहुत कम खेलता है लेकिन रामू अधिक खेलता है। बच्चों यहाँ पे सेंटेंस के द्वारा भी मैंने आपको बताया है और वर्ड्स में भी मैं आपको उदाहरण के तौर पर दिखाया है। तो इसे वर्ड्स के तौर पर आप सेंटेंस के हिसाब में आपके क्लासवर्क में लिख लीजिए। ओके बच्चों, तो यहाँ पर है वर्ड्स में कम कम तोलना, यानी बच्चों को देख के दुकानदार क्या करते हैं, कम तोलते हैं, बच्चों को नहीं मालूम रहती। जब बड़े साथ आते हैं इतना कम क्यों तोड़ रहे हो, ज्यादा तोलो। तो इस तरह से कम और ज्यादा का जो परिमाण हमें यहाँ पर दिखा रहा है। इतना, अरे इतना मत खाओ, कम खाया करो, है ना, इतना मत बोला करो, कम बोला करो। तो इस तरह से बोला जैसा का वैसा ही रहता है लेकिन उसके सामने जो हम लगाते हैं इतना कम ज्यादा अधिक बड़बड़, तो ये सब क्या है, परिमाणवाचक रहता, कहा जाता है थोड़ा, है ना, थोड़ा अधिक लगातार पानी मत पियो, थोड़ा थोड़ा करके पानी पियो, है ना बच्चों। तो इस तरह से जो हमारे जो डेली इसमें हम जो बातें करते रहते हैं रोज, तो उसमें इस तरह से वर्ड्स सहज ही आते ही आते रहते हैं, है ना बच्चों। और यहाँ पर देखिए फोर्थ वन, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पर क्या है, रीतिवाचक यानी उसे जिसमें जिनमें क्रिया के रीति का बोध होता है, काम के रीति का बोध होता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक दिन अचानक वहां आ गया बिना बोले, अचानक वहां आ गया यानी अचानक को आप निकाल दो बच्चों, कैसे लगते हैं ये सेंटेंस, एक दिन वहां आ गया, अरे कैसे आया, बोल के आया या अचानक आया या गड़बड़ी में आया या दौड़ते हुए आया या घबराते हुए आया, कैसे आया। तो इस तरह से जो प्रश्न हम इस वाक्य में लगाते हैं वही तो यहाँ पर रीतिवाचक में कहा जाता है बच्चों, अचानक। और वहाँ पैदल ही पाठशाला जाता है, वह पाठशाला जाता है बच्चों, कैसा जाता है, साइकिल पर जाता है या पैदल जाता है या घुड़सवार सवारी में जाता है
या हाथी पर बैठकर जाता है, कैसा जाता है? पैदल जाता है, यानी चलने की वहाँ पर क्रिया बता रहा है, जा रहा है मालूम है, लेकिन किस तरीके से जा रहा है। तो यहाँ पर बच्चों दिया गया है और यहाँ पर उदाहरण दिए है, धीरे धीरे धड़ाधड़ जल्दी जल्दी ज्यों त्यों, यानी क्या है बच्चों, ज्यों त्यों बोले तो क्या, ज्यों का त्यों, आपका काम जैसा है ज्यों का त्यों है। अरे बिल्ली देखो घर के अंदर धड़ाधड़ सामानों को गिरा रही है ना बच्चों। और यहाँ पर क्या है, धीरे धीरे, अरे धीरे धीरे चला करो, मुझे तुम्हारे साथ धीरे धीरे चलना है, तुम भी तो धीरे धीरे चला करो, ऐसा कहते कि नहीं, धीरे धीरे चला करो, दौड़ो मत, अधिक तेज मत दौड़ो, धीरे धीरे चला करो, तुम्हें भी मेरे साथ धीरे धीरे चलना है, रुको थोड़ा। दादाजी बोलते हैं ना अपने पोतों के साथ, पोते कैसे रहते हैं, जल्दी जल्दी चलते रहते हैं, लेकिन दादाजी बोलते हैं अरे रुको, मुझे तेरे साथ जल्दी जल्दी चलना नहीं आता, धीरे धीरे चलो। तो इस तरह से धीरे धीरे धड़ाधड़ जल्दी जल्दी, अरे जल्दी जल्दी चलो, ट्रेन छूटने वाली है, टाइम हो रहा है। इस तरह से जब हम गांव को जाते हैं तो उस समय कैसा रहता है माहौल, गड़बड़ 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 का माहौल रहता है ना, जल्दी जल्दी काम को निपटाओ, है ना, बाहर जाने का है। तो इस तरह से जो हम हमेशा कहां तो भी जाते रहते हैं अर्जन के लिए, उस समय यह बात दोहराते रहते हैं। और यहाँ पे जो उत्तम, अरे तुम्हारा काम तो देखो जो का तो ही है, तो इस तरह से हम इसका वर्ड्स भी प्रयोग करते हैं। यानी बच्चों जिस काम का हमें उपयोग करते हैं, उस काम के हिसाब से जो प्रश्न वहाँ पर बनता है, इस काल के चार प्रकारों के हिसाब से बनता है। लेकिन आप लोग इसको थोड़ा ध्यान में रख लीजिए, जिस तरह से काम का बोध यहाँ पर होता है, उस काम के पीछे यानी उस काम के साथ जो विशेष हमें दिखाता है, जैसा कालवाचक, स्थानवाचक, परिणाम, परिमाणवाचक, स्थितिवाचक, इस तरह से बोध जब होता है क्रिया के साथ यानी काम के साथ, उसी ही हमें क्रिया विशेषण कहा जाता है। आया बच्चों समझ में आया? आप लोग अपने क्लास वर्क में अच्छी तरह से लिख लीजिए उदाहरण के तौर पर, और जहाँ पर मैं वर्ड्स दी उसको सेंटेंस के हिसाब से उसमें भी लिख लीजिए। ओके समझ में आया? ये फुड़ू।